कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 4 करोड़ से अधिक लागत से बने हुए इस छात्रावास में 100 बच्चों हेतु आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास में बच्चों के शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे अच्छे उड़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियाँ मैंने स्वयं जाकर देखी हैं, सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है। और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप सब प्यारे बच्चों जानते हो ना उनका नाम, क्या नाम है? हाँ, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो। ये कहने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनका जीवन हमको सिखाता है कि ऊर्जा, परिश्रम, संकल्प, संघर्ष से महान कार्य किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के अंदर भी ऐसे महापुरुषों का जब हम नाम सुनते हैं जरूर मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भी उनकी तरफ बनेंगे। बनेंगे ना? चलिए जोर से बोलिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश। हमारे राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ एवं संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसे 13 छात्रावास संचालित हैं जिनमें 1000 बच्चों को निःशुल्क सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। अभी बंसीधर तिवारी जी ने यहाँ से बताया आप सबको। साथ ही बालिकाओं के लिए 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास अलग से संचालित किए जा रहे हैं जिसमें सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। मुझे आप सबके सामने एक बात साझा करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन बालिकाओं को यह पता नहीं था कि वो कभी स्कूल जा पाएंगी या नहीं, ऐसी बालिकाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का, क्षमता का परिचय दिया और प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रह रही जो हमारी बालिकाएं हैं उनके द्वारा जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। हमने यहाँ 5 बालिकाओं को हाईस्कूल स्तर पर तथा 5 बालिकाओं को इंटर स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये की धनराशि उनके FDR में आज प्रदान की जा रही है। मैं इन बालिकाओं को, उनके शिक्षकों को, छात्रावास की वार्डन को एवं इस कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ जिनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से हमारी इन बालिकाओं को ये उपलब्धि हासिल हुई है। साधन विहीन और कमजोर जिनकी पृष्ठभूमि रही है इन बालिकाओं के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करना इस बात का घोतक है कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल उनको समुचित अवसर तथा सही मार्गदर्शन देने की, सही शिक्षा देने की, जो काम यहाँ पर बखूबी शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा, अच्छे चरित्र के निर्माण में हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार, उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का भी उचित समाधान उपलब्ध कराती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बेटियों के शिक्षा प्रदान करना, बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उस नारे को हमें सार्थक करके दिखाना है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी
देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी आप भविष्य हैं। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव हैं जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। और जो आने वाले 25 साल हैं जिसमें भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नाम अमृतकाल दिया है, विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है तो हमारे शिक्षकों की होने वाली है और हमारे इन करोड़धारों की होने वाली है जो भविष्य में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम सबका नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार आप सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे उसके द्वारा हमारा समाज, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, समृद्ध बनेगा। प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते हमारी राज्य सरकार, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान हो, यह भी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि आपने ही भारत का भविष्य संवारना है। कुछ पता नहीं है, आप में से कोई बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्टार्टअप शुरू करके बड़ा उद्योगपति बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा। हमारे चंद्रशेखर जी बैठे हैं, अन्य मित्र बैठे हैं यहाँ पर, इनकी तरफ भी जो है कोई अपनी लेखनी से सबको दिशा देने का काम करेगा और कोई हम लोगों की तरह है इस क्षेत्र में भी आएगा, तो कोई इसमें दो चार लोग अगर आ जाएंगे तो कोई खराबी नहीं है, इसमें भी आएंगे, आना चाहेंगे ना आप लोगों में से इस क्षेत्र में भी। समझ नहीं पाई मेरी बात अभी मैंने थोड़ा घुमा के बात कर दी है, मैंने कहा आप लोगों में से कोई मेरी तरह भी बन सकता है, कोई मुख्य सेवक बन के सेवा कर सकता है, बनना चाहोगे कि नहीं? चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दिल को अच्छा लगे वो कैरियर चुनिए, क्योंकि बिना रुचि के आप कोई भी सफल काम नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक जो है आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने गुरुजनों का, माता पिता का श्रद्धा के साथ, उनकी बातों पर विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए और उनकी आज्ञा अनुसार आगे बढ़ते जाइए तो भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी। भगवान रास्ता देंगे, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, भगवान भी उन्हीं के लिए कृपा पात्र होते हैं जो अपने लिए अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। इसमें नई शिक्षा नीति भी आपकी सहायता करेगी। नई शिक्षा नीति से जहां एक ओर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप सभी को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे संसाधन के अभाव के कारण स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे। हमारी सरकार ऐसे बच्चों तथा उनके माता पिताओं की, उनके अभिभावकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। हमने संकल्प लिया है कि सभी बच्चों को हम शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इस पहले दिन, वर्ष के पहले दिन यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आपके अभिभावक की तरह आपके साथ हूँ। आपके अच्छे वर्तमान, सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, जिस प्रकार के भी प्रयास करने होंगे, जो भी संकल्प हमको लेने होंगे, मैं और हमारी सरकार कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब हमारे आज के नहीं कल के भारत के भविष्य हैं। आज के तो हैं ही हैं, कल के भी आप भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और मैं पंत में आप सभी को एक बार फिर से
वर्ष 2024 की बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, प्यारे विद्यार्थियों की, प्यारे बच्चों की, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों की, हमारे बेटे बेटियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कि एक घोषणा करना चाहता हूं, कमजोर और अपवंचित एवं साधनहीन वर्ग की जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा हेतु खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रावासों एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के निकटवर्ती 11 विद्यालयों का इंटर स्तर पर उच्चीकरण भी किया जाएगा। अंत में एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर।